नमस्कार यशपाल जी, रेबल सदानंद पति रेबल फाउंडेशन से। कैसे हैं आप? अभी उत्तराखंड के दौरे पे हम लोग, आपका एक मिनट का वर्जन लेना चाहूंगा सर। पूरा मेरे ख्याल से 11 करोड़ हमारे फॉलोअर्स हैं मेरे फाउंडेशन के। एक सौ जय हिंद जय भारत। रेबल सदानंद पति यशपाल आर्य जी के साथ इस वक्त नैनीताल में वर्तमान में यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर, और करोड़ों भारतीयों के सवाल है। मैं लोगों के बीच ही होता हूँ सर। 16 तारीख को मैं यूएस कांग्रेस में जो बिडेन जी के साथ, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सर। हर भारतीय का प्रश्न है सर, हम लोग मास्क पहनते हैं, मास्क के लिए इतनी सारी चीजें, कृषि बिल का भी आप लोग शायद समर्थन करते होंगे सर, आप लोग है ना सर। मेरा संगठन कुछ विचारों को लेकर आता है हमेशा, तो मेरा एक सवाल होगा सर कि आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद में जाते हैं सर, 5 साल के लिए जाते हैं, 10 साल के लिए जाते हैं, चुन के जाते हैं, आप लोग के लिए जीवन भर के लिए पेंशन का होता है, लेकिन ये जो मेरे पीछे स्थानीय प्राधिकारी है जो कि सरकार के चुने हुए हैं सर, इनकी पेंशन क्यों नहीं होती, इनके लिए कोई आवाजें क्यों नहीं उठती? आप लोग 5 साल चुन के एमएलए एमपी बन के जाते हैं, इन लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिलती सर? ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाई जाती? मेरे साथ सरकार के जो पीछे लोग हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनकी पेंशन क्यों नहीं मिलती है सर? 5 साल में देशभक्ति का ऐसा क्या नजारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कि हमारे एमएलए एमपीज को बेनिफिट मिलती है, मेरे देश के करोड़ों फौजी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और मेरे पुलिस के वो लाखों लोग जो कोरोना का नहीं, ये मेरा आवाज है सर, मैं बोलता है ऐसे, मैं रेबल हूं सर जी। तो आपको क्या लगता है सर, आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, क्या आप लोगों को इनके लिए पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठानी चाहिए? निश्चित रूप से आपका कहनावाजी, मैं आपके वर्जन बस जानना चाहूंगा। आपकी जो आपका जो कथन है, जो आपने कहा है जी, से जी सार्वभौमिक है, आवाज आनी चाहिए जी, क्योंकि देखिए सर कोरोना के विस्मय परिस्थिति में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जी, उसके अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा सा और जोर से बोलेंगे सर, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं जी, उनका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए जी, क्योंकि देखिए उनका परिवार भी, किसी फौजी का व्यक्ति का परिवार का अगर कोई परिवार चला जाता है सर, उनको इस पेंशन के ऊपर सर 2 मिनट देंगे सर, जस्ट 2 मिनट जी। तो आप ये चाहते हैं कि सर आपके हिसाब से होना चाहिए पेंशन? जी जरूर जरूर जी। जय हिंद जय भारत। रेबल सदानंद पति रेबल फाउंडेशन के 11 करोड़ से ज्यादा लोग आज इस बात को हर जगह आवाज उठाते हैं कि एमएलए एमपी 5 साल में चुन के, और जब ये मंत्री मंत्री को 3-3 पेंशन मिलती है, मेरे देश के फौजियों को क्यों नहीं मिलता, सीआईएसएफ के सीआरपीएफ के लोगों को क्यों नहीं मिलता, सरकार के तमाम संगठित व्यक्ति जो चुन के जाते हैं उनको क्यों नहीं मिलता? अरे मेरे साथ में जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो 24 घंटे काम करते हैं, जिनको ओवरटाइम नहीं मिलता, आखिर इनकी कोई यूनियन नहीं है? गवर्नमेंट इनकी कोई यूनियन नहीं बनने देती? आज आप कहते हैं कि किसान आंदोलन अच्छा है, चलिए मान लेते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं उत्तराखंड के दौरे पे हूं, कल बाजपुर में 10:30 बजे 1500 ट्रैक्टर निकलेंगे दिल्ली के लिए। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हमने भी मोदी जी को वोट दिया, तमाम यहां ना तो मोदी जी की बात है, ना कांग्रेस की बात है, ना बीजेपी की बात है मेरे देश की जनता की। मेरे साथ जो सरकारी महकमे के लोग पीछे खड़े होंगे, आखिर इन्हें पेंशन क्यों नहीं मिलता? पार्लियामेंट में इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठती? पार्लियामेंट में मजदूरों के हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठती? जब ये कहा जाता है कि जीएसटी में 5 शव यात्रा में लोग जाते हैं और वो लेंटर गिरता है, 25 लोग जो हैं अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं, फिर उनके घर वालों को 2 लाख का मुआवजा क्यों देता है? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये गलत नहीं है मेरे दोस्तों? हमारे ही देश में जहां लाखों करोड़ का जीएसटी का मिलता है और हमारे जनजीवन में एक व्यक्ति को 2 लाख का मुआवजा, मैं इसी तरह निरंतर दोस्तों अमेरिका जाने से पहले निरंतर हर एमएलए एमपी से यह सवाल पूछता रहूंगा, और बहुत ही शीघ्र हम लोग अपने स्थानीय विधायक के घर भी जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि अगर आप किसी बिल का समर्थन करते हैं और आप लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपको ए टिकट की सुविधा मिलती है, आपको फर्स्ट क्लास की सुविधा मिलती है, तो मेरे देश के फौजी, मेरे देश के पुलिस वाले, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिलता? इनकी आवाजें क्यों नहीं उठती? गलत है क्या? लोग बोलने के लिए आवाज आगे नहीं आते, कारण क्या है? कोई बोलेगा तो कुछ होगा। मैं रेबल हूं ना, तो इस चीज से पीछे हटूंगा। पुलिस के लिए भी आवाज उठाता हूं, फोर्स के लिए भी आवाज उठाता हूं, आम जनता के लिए भी उठाता हूं। अगर हम लोग एक सोशल मीडिया में है तो हमारा काम कोई गंदे न्यूज को देना नहीं है, सच्चाई तक आपको पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी है, पत्रकारिता का एक स्तंभ है। हम अर्नब की तरह पूछता है भारत नहीं करते, भारत क्या है? हम भारतीयों से। आज नेताजी ने एक बात बोला, यशपाल जी ने बोला कि मुझे आपके विचार अच्छे लगे, और वो कहते पर ये सदन में कब उठेगा?
इन लोगों की तनख्वाह बढ़ गई, सदन ने एकमत में बहुमत दे दिया। ऐसा क्या कार्य करते हैं हमारे देश के चुने हुए नेता, उनकी सैलरी, उनके रिटायरमेंट तक, उनके रिटायरमेंट के बाद जब वो नेता नहीं रहते, तत्पश्चात उनको इतनी सुविधाएं, और मेरे देश का पुलिस, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का CISF, CRPF, ये जितने लोग हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये कौन सा देशभक्ति में कमी करते हैं जो इनके परिवारों को सुविधा नहीं मिलती है। जय हिंद जय भारत, ये सवाल हम पूछते रहेंगे। कल बाजपुर सुबह 10:30 बजे उत्तराखंड किसान यूनियन के ज्यादातर लोग हमारे फाउंडेशन के साथ होंगे। 17 मीडिया की टीम हमारी सारी चीजों को कवर कर रही है आप लोगों के लिए 24 घंटे तत्पर। जय हिंद जय भारत।